Now, the next question is, an element has a body centered structure with edge length of 288 picometer. Density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of एलिमेंट? तो यहाँ पे अगर हम डाटा फॉर्म करें तो डाटा में क्या मिलेगा, एज लेंथ कितना मिलेगा, 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना मिलेगा, 288 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया है, 208 ग्राम। बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करने का मतलब कि उसमें कितने एटम्स हैं, तो दो एटम है। एक यूनिट सेल में कितने होंगे, दो होंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि अगर हम देखें तो यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं, दो एटम आ रहे हैं ना, टू एटम्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में दो एटम प्रेजेंट है, तो अब हमें पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेल कितने। ठीक, तो यूनिट सेल के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर ले अगर एलिमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग हम मिल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास कितना दिया एलिमेंट का, 208 ग्राम, डिवाइड बाय डेंसिटी कितना दिया, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना मिलेगा, तो 208 में अगर हम 7.2 से डिवाइड करें तो ये कुछ मिलेगा हमें, 28.89 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका, एलिमेंट का मिला वॉल्यूम। ठीक, अब हम क्या फाइंड आउट कर ले, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर ले। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब होगा, ए क्यूब हुआ तो 288 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ओके, सो कितना मिलेगा ये वैल्यू हमें, दैट विल बी 2.39 इंटू 10^-23 सेंटीमीटर क्यूब जितना आएगा। ओके, अब ये वैल्यू मिली, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया, मींस यूनिट सेल के इतने वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम एक एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट की एलिमेंट जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है और जो यूनिट सेल है उसका कितना है। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू यूनिट सेल का एक एलिमेंट का वॉल्यूम इतना है और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो उसको हम डिवाइड कर दें तो दैट विल बी नंबर ऑफ यूनिट सेल कैन बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर कोई भी यूनिट सेल है, ठीक, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। अब इसमें जो एटम प्रेजेंट है उसका भी कुछ वॉल्यूम है, तो एटम का वॉल्यूम दिया है और यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया है, तो दोनों का अगर रेशियो फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना है, 28.89 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 2.39 इंटू 10^-23 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल गेट 12.08 इंटू 10^-23 पर जाएगा तो +23 हो जाएगा, इतने यूनिट सेल। तो हमारा हाफ पार्ट हो गया, हाफ पार्ट मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल गए। हमने आपको क्या बोला था, हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल गए, तो सेम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, टू एटम्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हमें पूछा होता तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते, और एटम्स पूछा है तो एटम पूछा है तो एटम के लिए क्या करें हम, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, एक यूनिट सेल में दो एटम, तो इतने में कितना होगा, तो 2 × 12.08 × 10^23, दैट इज इक्वल टू 24.16 × 10^23, और इसी को हम लिख सकते हैं 2.416 × 10^24 एटम्स, दैट विल बी अवर आंसर। सिर्फ हमें ये पॉइंट जो है वो याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा चेंज वेरिएशन हो रहा है, बाकी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हम फाइंड आउट करते ही थे। तो वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल है उसके लिए ए क्यूब, और नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर फाइंड आउट करना है तो एक एलिमेंट का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी।